हे hey, नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर में। तो फ्रेंड, जैसा कि कमेंट में बोला था कि सर हमें पतंग उड़ाना सिखाइए, जी हाँ, पहले भी मैंने वीडियो बनाई जी हुई है इस टॉपिक के ऊपर। भाई आप कैसे पतंग उड़ा सकते हो, जो नए नए होते हैं जिनको पतंग उड़ाना नहीं होता लेकिन उनको शौक होता है पतंग उड़ाने का लेकिन आती नहीं है, तो उनको मैं बताता हूँ पतंग कैसे उड़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको कन्ने सही से पढ़ने चाहिए। जो आपकी पतंग है, पतंग तो आप ले लोगे दुकान वाले को कह के, भाई हमें एक बिल्कुल परफेक्ट पतंग दे दो, वो आपको छांट के दे देगा। अगर आपको नहीं पता भाई किस तरह से पतंग छांटने, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद आपको कन्ने कैसे डालने, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इधर आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, यहाँ पर आपको दिख रही है ये वीडियो। उसके बाद अब आपने कन्ने डाल लिए, अब उड़ानी कैसे है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कन्ने डाल लिए हैं, डोर बांध लिया है। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसका थोड़ा सा झाप निकालना है, हल्का सा, जो इसका स्ट्रेट तिल है उसका हल्का सा झाप निकालना है। और वो निकालने का तरीका क्या, आप लोग मैक्सिमम देखो होगा आपने, वो यहाँ से और यहाँ से पकड़ते हैं, ऊपर और नीचे से, और फिर सिर पर ऐसे करके इस तरह से मोड़ देते हैं इस तिल्ले को। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा तिल्ला टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से पकड़ के ऐसे इसको ऐसे करूँगा तो हमारा तिल्ला बीच में से क्रैक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, ये हाथ यहाँ पर और दूसरा हाथ इस तरह से, और अब आराम से सिर के ऊपर रख के हल्का हल्का, देखो यहाँ से बेंड करना है, ध्यान से देखो, इस तरह से बेंड करना है हमको, हल्का हल्का यहाँ से इस तरह से, देख सकते हैं आप, ना कि ऐसे पकड़ के आपने पूरा बेंड कर देना, तो उससे तो तिल्ला टूटेगा टूटेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर इस तरह से पूरा हाथ रखना है और ये, और फिर करना है ये देखो ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी देख सकते हो तेल टाइप में लग चुका है, और यहाँ से देखो मेन ये गोलाई आ चुकी है, आप देख सकते होंगे यहाँ से। अब हमें उससे पहले, ये हो गया हमारा काम, डोर हमने बांध लिया, अब हम उड़ाने के जाएंगे। लेकिन उड़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए भाई हवा किधर की है। अब करना क्या, आपको झाप निकल गया, सबसे पहले तो थोड़ी सी डोर को निकाल लेना है इस तरह से, थोड़ी सी डोर मैं निकाल लेता हूँ ताकि हमें तंगी ना हो बार बार डोर निकालने के लिए। मैं चरखड़े को साइड में रख देता हूँ अपने इसको, और ये देखिएगा ये वही चरखड़ा है जो मैंने होममेड बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं ये होममेड चरखड़ा मैंने कैसे बनाया था, वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोज़ पर मेरे चैनल पर जाके। तो चलिए मैं थोड़ी डोर निकाल लेता हूँ, और मैंने चरखड़े को रख दिया साइड में, तो इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड, अब आपको क्या करना है कि ये जो फ्रंट फेस है इसका, जो ऊपर की साइड है, उसको हवा की डायरेक्शन में हम ऊपर की तरफ करेंगे। जैसे हवा उधर क्या, तो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाना है आपको। फिर से देखिए, ये हमने कन्ने थे, कन्ने से थोड़ा सा दूर इतने डिस्टेंस पे आपको ऐसे डोर को पकड़ लेना है, कन्ने ऐसे नीचे लटका देने हैं, और जिसका फेस है वो हवा की डायरेक्शन में करना है। जैसे हवा उस साइड की, हमारे केस में तो हवा की डायरेक्शन में हमने किया, और इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है गाइस, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको करके, या आप रख सकते हो, एक जगह रख भी सकते हो आप, और फिर इसको ऊपर की तरफ ले जा भी सकते हो। देखिए इस तरह से जाएगी कुछ आपकी पतंग। तो चलिए मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पर रखी, ऊपर की तरफ ले गए और ढीले देते रहा। फिर से करते हैं अब इस चीज़ को, यहाँ पर रखी, ऊपर की तरफ ले गए और ढीले देता रहा। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी गई, फिर मैंने यहाँ पर फिर ऊपर करी, फिर ढीले देता रहा, फिर थोड़ी गई, फिर ऊपर करी, फिर ढीले देनी आपको इस तरह से। तो शुरू से करते हैं इसको दोबारा से, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। या आप जैसे ज़्यादा तेज़ हवा, तो आप इसको नॉर्मल ऐसे इसको हवा में ऐसे करोगे और ये चलती चली जाएगी। हवा भी यहाँ पर कम चल रही है इसलिए इस मेथड के साथ। तो यहाँ पर ये हमने की, देखो फिर से आगे, देखो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये उड़ने लग गई है, अब ये थोड़ी हवा में लग चुकी है यहाँ पर जाके, ये देखो ये। अब एक चीज़ हो रहा है इसमें, मेन चीज़ जो हमारी आती है, ये हल्की हल्की उड़ने लगी, आपको पता लग जाएगा भाई हवा में अब लग चुकी है या नहीं लग चुकी। अब ये हम इसको बोलते हैं ढुमका, ये जो मैं लगा रहा हूँ, जैसे फ्रंट फेस ऊपर की तरफ होता है। अब मैं दिखाता हूँ, जैसे ये ऊपर की तरफ आया, तो ये चीज़ हाथों से ऐसे ऐसे करना है, ये चीज़, ये इसको हम ढुमका बोलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लोग बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे इधर तो इसको ढुमका ही बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी पतंग ऊपर की तरफ रहती है। देखो ऊपर फेस आया, तो इस तरह से करते रहेंगे हम, ये देखो, और हल्की हल्की ढील देते रहेंगे ऐसे, ये देखो ढुमका मारते रहेंगे और ढील देते रहेंगे। अब ये हवा में लग चुकी है, हल्की हल्की ढील देंगे और ऐसे ढुमका मारते रहेंगे, ये देखिए हल्की हल्की ढील देंगे और ढुमका मारते रहेंगे, ये देखिए ढील देते रहेंगे और ढुमका मारते रहेंगे।
देखिए इस तरह से, ये देखिए ये चीज़ है गाइस, ये देखिए अब कि बहुत आसान, बहुत आसान है पतंग उड़ाना, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से आप उड़ा सकते हैं पतंग को। ये देखिए जैसे ही आपका फ्रंट फेस ऊपर की तरफ, देखिए ढूमका मारना, अगर नीचे की तरफ जैसे ये जा रहा है आप ढूमका मारोगे नीचे जाता रहेगा, तो नीचे नहीं जाने देना उसको, ऊपर ही की तरफ रखना है। और जब ज़्यादा नीचे जाता दिखे, जैसे ये देखो ए, अब ये ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका जब फ्रंट फेस ऊपर आए तो ऐसे खींच लेना उसको। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, जैसे ये ज़्यादा नीचे यहाँ पर गई, ज़्यादा नीचे, अब फ्रंट फेस जैसे ऊपर आया तो मैं ऐसे 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 खींच लूँगा इसको, फिर खींचा, फिर मैंने ऐसे ढूमका 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 ऐसे मारना है। देखो नीचे की तरफ गया, जैसे फ्रंट फेस ऊपर की तरफ हो, ये देखो ये यहाँ पर हुआ, मैंने ऊपर खींच लिया और फिर से ढीले देनी है, ऐसे ढूमका मारना है। ये देखिए गाइस, ये लो अब इसको जितनी मर्जी बधा लो, जाम विलेज नहीं, अब ये हवा में लग चुकी है बिल्कुल प्रॉपरली, अब इसको ढीले देते रहेंगे हम। ये देखिए गाइस, तो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है पतंग उड़ाना, बिल्कुल इजी वे में आप पतंग उड़ा सकते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी लगी हमारी पतंग उड़ती हुई, अभी पास में किसी ने पतंग नहीं उड़ाई है तो इसलिए फिर पेच भी लगाते सब चीज। तो गाइज अभी तो मात्र इसी वे से आप पतंग उड़ाना सीखिए, आप आराम से सीख जाएंगे इसी वे से पतंग उड़ाना, और बहुत आसान है ये तरीका, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसान है। और ये यहाँ पर तो हवा नहीं चल रही है हमारे, अब देखिए पत्तों को मैं दिखाता हूँ पेड़ की तरफ, जरा कैमरा करिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पत्ता नहीं हिल रहा है, बिल्कुल मामूली, बिल्कुल नॉर्मल हल्की सी हवा चल रही है, बिल्कुल हल्की सी, कोई भी पत्ता नहीं हिला दिखेगा आपको पेड़ का, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतने अच्छे से पतंग उड़ रही है हमारी। ये देखिए, और जब आपके एरिया में अच्छी हवा चलेगी तो आपकी तो इससे भी अच्छी पतंग उड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में हवा है, अभी यहाँ पर इस एरिया में जहाँ ये पतंग उड़ रही है, इस एरिया में हवा चल रही है ऊपर की तरफ यहाँ पर, ये चीज़, और नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये देखो कितनी सही है। तो मैं उसको उतार लेता हूँ अब।